देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 100 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के नजदीक है। इसी कड़ी में पलवल जिले के नागरिक अस्पताल में टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है ताकि इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम टीकाकरण के कार्य में दिन रात जुटी हुई है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि कोविड रोधी टीका लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जिन्होंने पहली खुराक लगवा ली है उन्हें दूसरी खुराक लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो बचे हुए आदमियों को हम टीका लगा के 100% इंडिया को प्रमोट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को जो उन्होंने वादा किया है वो 100% हम टीकाकरण कंप्लीट करेंगे। उसी के लिए हम छुट्टी कैंसिल करके हम अपनी छुट्टी वाला दिन भी हम काम कर रहे हैं। जो इंसान को जो लगा के जा रहा है वो एक दूसरे से कह रहे नहीं कुछ भी नहीं है, वैसा डर है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाकर लगवा लो, कुछ नहीं होता इससे। तब उसी से आधी से ज़्यादा लोग ये सुन के फिर आ रहे, धीरे 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 करके सब आके लगवाने लगी है। आगे आगे देखो ये कंप्लीट करने की टारगेट है, हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। कुछ बंदे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ वैक्सीन लगा रहे हैं। हम यहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने कहा कि वैक्सीन लगवाने से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए सभी को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी को बढ़ चढ़कर इस राष्ट्रव्यापी अभियान में हिस्सा लेना चाहिए ताकि इस महामारी से निजात पाया जा सके। ये वैक्सीन दोनों डोज मेरी कम्प्लीट हो चुकी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 100 करोड़ जनता लगभग इस अभियान में जुड़ चुकी है। ये अभियान जो श्री नरेंद्र मोदी जी का है बहुत अच्छा है। मैंने अभी पहली डोज लगवाई है वैक्सीन की और ये सुरक्षित है और हम करीबन 100 करोड़ लोग इसे लगवा चुके हैं। ये सबके लिए ही फायदेमंद है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है कि इस वैक्सीन को लगवाएं। मैं सभी अपने देशवासियों से भी अब निवेदन करूँगा कि जिन्होंने नहीं लगवाई है वो हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगवानी चाहिए।